सकते हैं पत्नी टॉप में आज यहाँ जितने लोकल्स हैं, लोकल्स ने यहाँ पर आज पाकिस्तान का पुतला बना के पाकिस्तान को पुतला जलाने की कोशिश कर रहे हैं और इंडियन आर्मी जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद के यहाँ पर जो नारे लगाए जा रहे हैं, लोगों का साफ साफ कहना है पाकिस्तान पर फिर से एक सर्जिकल स्ट्राइक बनती है। ये जो बार बार यहाँ पर दहशत गर्द भेज रहा है इसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ये लोकल पत्नी टॉप के लोग आप देख सकते हैं किस तरह इनके अंदर एक रोष है। इंडियन आर्मी के जो कल एक कर्नल, एक मेजर और जो एक डीवाईएसपी मारे गए हैं और एक जो जवान जो है राजौरी के अंदर मारा गया है, उन्हीं के हक में आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर पत्नी टॉप के निवासियों ने आज यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है और पाकिस्तान का पुतला यहाँ पर जलाया जा रहा है। साफ साफ लिखा है पाकिस्तान लोगों में रोष है। इनका साफ साफ कहना है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का अब समय आ चुका है। जिस तरह ये पाकिस्तान कायराना हरकत करता है यहाँ पर दहशत गर्द भेज के हमारी इंडियन आर्मी के ऊपर छुप के ये जो बार करते हैं, अब समय आ चुका है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और यहाँ पर पाकिस्तान का जो पुतला है आप देख सकते हैं किस तरह लाया गया है, पाकिस्तान के यहाँ पुतला भी जलाया जाएगा। और पत्नी टॉप के जो निवासी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों आज सुबह से यहाँ के अंदर एक रोष है और इन्होंने साफ साफ कहा है कि आप पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी से भी जाना चाहूँ सर, देख सकते हैं जिस तरह आज वाकई इन लोगों के अंदर गुस्सा है, आप लोग के अंदर गुस्सा है। पाकिस्तान जो छिटपुट घटनाएं करके हमें यहाँ पर दहशत गर्द भेज रहा है और आपने भी कहा कि यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक का टाइम आ चुका है। मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि हमारी जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं दिन बाई दिन बिगड़ जा रहे हैं। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए, दो दिन के अंदर उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हमारे जो कर्नल मनदीप जी शहीद हो गए, उनके साथी मेजर जी जे एंड के पुलिस के डीएसपी, मैं उनको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें और इनसे बदला लें। हमारे जो इंडियन आर्मी है हम चैन की नींद सो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अगर इतना बदलाव आएगा मोदी सरकार को, मैं बताना चाहता हूं कि इनको पाकिस्तान में मुंह तोड़ जवाब दें। मैं बताना चाहता हूं हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा और आगे भी जिंदाबाद रहेगा। देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर रोष है, गुस्सा है लोगों में। जो जो नौजवान है उनके अंदर गुस्सा है, ये देख सकते हैं कितना गुस्सा है। यहाँ पाकिस्तान का पुतला जाकर उसे चप्पलों से मारा जा रहा है, ये देख सकते हैं। देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर पुतला भी जलाया जा रहा है, पाकिस्तान का पुतला जो है यहाँ पत्नी टॉप के निवासियों ने यहाँ पर जलाया और अंदर रोष है, गुस्सा है इनके अंदर। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ चुका है, हम आपके साथ हैं, इंडियन आर्मी के साथ हैं, अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। मेरे स्थानीय निवासी हैं, आज यहाँ पर पाकिस्तान का पुतला जलाया गया है और यहाँ पर प्रोटेस्ट आपकी तरफ से किया गया है। जी हाँ, हमारी तरफ से किया गया है। पाकिस्तान को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से हम यही मांग करते हैं कि मोदी जी को अब इनको नहीं देखना चाहिए, जो ये लुके छुके आके हमारे जवानों को मारते हैं, आमने सामने की लड़ाई करें।
से तो इनका साफ साफ कहना है कि अब आमने सामने की बाहर होनी चाहिए, आमने सामने की लड़ाई होनी चाहिए। ये नहीं है, अब छुपके जो ये बाहर करते हैं, कायर पाकिस्तान के पाले हुए जो पिट्ठू है, अब उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पत्नी टॉप के अंदर एक पुतला भी जलाया गया है और यहाँ लोगों में भारी रोष है। कैमरा मैन अक्षय सैनी के साथ बाल कृष्ण शर्मा, दैनिक सेठ समाचार, राजौरी। पूरी सपोर्ट करते हैं, क्या माना चाहिए? जज साहब आपको चाहते हैं कि समय आ गया है कि हमारे पाकिस्तान को